हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम असद, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन के बारे में। क्या अभी आपको बेबी डॉज कॉइन को सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर आपको होल्ड करना चाहिए, और जो नए लोग बेबी डॉज कॉइन को बाय करना चाहते हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। आखिर बेबी डॉज कॉइन की बर्निंग कितनी हो रही है, यहाँ पे नेक्स्ट कौन सी एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक आपने क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको क्रिप्टो की टेक्निकलिटीज को बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाता है। तो यहां पे सबसे पहले बात कर लेते हैं बेबी डॉज कॉइन के प्राइस एक्शन की। लास्ट 7 डेज के अंदर इसने 70% से ज्यादा का प्रॉफिट दिया है, और जहां से हमने एंट्री ली हुई है वहां से ऑलमोस्ट इसने 100% से ज्यादा का प्रॉफिट दे दिया है। तो अगर आपके पैसे डबल हो चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया था तो 20,000 बन चुका है, मैं आपको बोलूंगा आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल लीजिए और प्रॉफिट जो है होल्ड करिए, और यहां पे उस प्रॉफिट को जो है और कॉइन्स के अंदर फ्लिप करिए जो अभी तक पंप नहीं हुए हैं। इससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, आपके पास नया टोकन भी हो जाएगा और पुराना भी आप होल्ड कर रहे होंगे, और यहां पे ज्यादा चांसेस हैं कि आप इस तरह से ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। मेरी पर्सनली जो है इस बुल रन के अंदर ये स्ट्रेटजी रहने वाली है। और यहाँ पे जो लोग नई एंट्री लेना चाहते हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा अभी वेट करिए, प्राइस को रिट्रेस होकर थोड़ा नीचे आने दीजिए, उसके बाद जो है आप बेबी डॉज कॉइन के अंदर एंट्री ले लीजिए। अगर आप यहाँ पे जल्दी एंट्री लोगे तो आपके जो है लॉस हो सकते हैं, क्योंकि टॉप के ऊपर आप फंस सकते हो, और अगर बिटकॉइन का प्राइस नीचे गया तो ऑल्ट कॉइन्स फॉर श्योर जो है डंप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें बर्निंग साइड पे तो बेबी डॉज कॉइन की रेगुलर यहाँ पे बर्निंग हमें देखने को मिल रही है। अभी जो है रिसेंट मैंने इनके ट्विटर के ऊपर देखा, एक दिन पहले ही शायद इन्होंने यहाँ पे $2,50,000 से ज्यादा के बेबी डॉज कॉइन को बर्न किया है, और रेगुलरली बर्निंग करते रहते हैं। और यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट है बेबी डॉज स्वैप, उसके ऊपर भी यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन की स्वैपिंग होती है और बर्निंग भी जो है होती है। और यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बोलूंगा आप बेबी डॉज कॉइन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। बेबी डॉज कॉइन 20x to 50x दे सकता है यहाँ पे 2025 तक। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है बेबी डॉज कॉइन के बारे में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे शिबा इनू कॉइन के बारे में अगर हम बात करें तो शिबा इनू कॉइन ने भी 2-3 दिन के अंदर 150% से ज्यादा का प्रॉफिट दिया है। अगर आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ऊपर फॉलो करते हैं, और यहाँ पे मैंने जो टॉप 3 मीम कॉइन्स की वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन, शिबा इनू कॉइन और यहाँ पे डॉज कॉइन को मैंने कवर किया था, और सभी ने जो है अमेजिंग प्रॉफिट दिया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए। क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछिए, मैं सभी के क्वेश्चंस रीड करता हूं और आंसर भी करता हूं। तो क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर करिएगा, और जो एक्सचेंजेस मैं पर्सनली यूज करता हूं उनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच अपना कीमती टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए। मेरा नाम असद, आप देख रहे थे क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल, हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको सीखने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको कम से कम 10 कॉइन्स के अंदर 10,000 करके करना चाहिए। इन शॉर्ट मैं बता रहा हूं, यहाँ पे डिटेल के अंदर टेलीग्राम के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।